हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं एमपी फूड फैक्ट्री। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल चौपाटी जैसी चाउमीन। दोस्तों बिल्कुल चौपाटी जैसी चाउमीन हम घर पर बनाएंगे, बिल्कुल वो भी 2 मिनट में। तो आप भी अगर चाउमीन के दीवाने हैं तो हमारी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों इस रेसिपी के लिए हमने लिया है शिमला मिर्च, 1 कटोरी में ऑयल, ये हमने ली हुई है लंबी कटी हुई प्याज, ये हमने ली हुई है पत्ता गोभी, ये हमारा है नमक दोस्तों, ये हमने चिली सॉस ले रखा है, ये दोस्तों विनेगर है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, ये दोस्तों सोया सॉस है, ये हमने टमाटर सॉस ले रखा है, ये हमारी 2 पीसेस चाउमीन के हैं, ये हमने लाल मिर्च ले रखी है, ये हल्दी पाउडर है, ये दोस्तों मैगी मसाला है और ये हमारी हरी मिर्च है। इसके बाद दोस्तों हम गंजी को गैस पर चढ़ा लेंगे और उसमें हम 2 से 3 गिलास पानी ऐड कर देंगे। हमने अपनी चाउमीन की क्वांटिटी के हिसाब से किया है, आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम गंजी के पानी में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा नमक ऐड किया और 1-2 चम्मच हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे जिससे कि हमारी चाउमीन उबलने के बाद चिपके ना दोस्तों। फाइनली हमारा गंजी का पानी उबल चुका है दोस्तों। अब इसमें हमने जो 2 चाउमीन ली थी उन्हें हम ऐड कर देंगे ताकि वह अच्छे से उबल सकें। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें दोनों चाउमीन को ऐड कर दिया है। दोस्तों हमने चाउमीन को 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारी चाउमीन उबल चुकी है। इसे हमें हल्का कच्चा ही रखना है जिससे कि यह अलग अलग रह सके दोस्तों। अगर इसे हम ज़्यादा पका लेते हैं तो यह एकदम से लड्डू टाइप की बन जाती है दोस्तों, तो इसे हमें हल्का कच्चा रखना है। चाउमीन के उबलने के बाद उसे हम दोस्तों एक गंजी टाइप में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि यह छन्नी टाइप की गंजी हमने यहाँ पे ली हुई है, इसमें हम निकाल लेंगे जिससे इसका पानी पूरा गंजी में जा सके। आप देख सकते हैं कि हमने चाउमीन को निकाल लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम कढ़ाई को चढ़ा लेंगे और उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद उसमें हम हरी मिर्च ऐड कर देंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं हरी मिर्च के बाद दोस्तों इसमें हम कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने दोनों चीजों को ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें हम लंबे पीसेस में कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद उसमें हम पत्ता गोभी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने चारों चीजों को ऐड कर दिया है। अब इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जिससे यह हल्के से भुन जाए दोस्तों। इसे ज्यादा नहीं पकाना है हमें, इसे हल्का कच्चा रखना है जिससे इसका टेस्ट आ सके। 2 मिनट पकने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी शिमला मिर्ची पत्ता गोभी हल्की सी पक चुकी है। अब इसमें दोस्तों हम अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 1.5 से 2 चम्मच इसमें नमक ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। लाल मिर्च पाउडर के बाद दोस्तों इसमें हम हल्का सा हल्दी पाउडर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है इसे हमें। आप देख सकते हैं मैंने तीनों चीजें मिक्स कर दी हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें हम मैगी मसाले को ऐड करेंगे जो कि हमने रखा हुआ था पहले से, और हम चारों चीज डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मैं इसे मिक्स कर रहा हूं और इसे 1 से 2 मिनट और पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद दोस्तों हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। 2 से 3 चम्मच हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। दोस्तों इस समय हमारे कैमरे की बैटरी लो हो गई थी तो इससे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हमने 2 चम्मच चिली सॉस डाला है, 1-2 चम्मच विनेगर डाला है और 1-2 चम्मच इसमें टमाटो सॉस डाला है। उसके बाद दोस्तों हमें इस तरह से इसमें चाउमीन को ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने चाउमीन को ऐड कर दिया है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं चाउमीन को मिक्स कर रहा हूँ और यह हमारी फाइनल स्टेप थी। तो दोस्तों हमारी
रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमीन बन चुकी है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें। इंस्टाग्राम पर हमारी आईडी MP Food Factory के नाम से ही है दोस्तों, तो वहाँ जाएं और हमें फॉलो जरूर करें।